जी की धर्म पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन का आज इस कोल्हान की पावन भूमि पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज इस चुनावी सभा के मंच में हमारे बीच मंच पर उपस्थित क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री नीरल पूर्ति जी, हमारे बीच मंच पर उपस्थित महिला नेत्री मोनिका बोईपाई जी, मझगांव की जिला परिषद सदस्य पूनम जेराई जी, प्रखंड प्रमुख प्रियंका हेमराम जी, गठबंधन दल के हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी के मायाधर बेहरा जी और इस मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के रितेश तामसोय जी और तमाम मंच पर उपस्थित मंचस्थ सभी इंडिया गठबंधन दल के तमाम वरिष्ठ नेतागण, साथीगण और इस सभा में उपस्थित माताएं, बहनें, हमारे अभिभावकगण और पत्रकार बंधु, आप सभी का हम इस मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम इस मझगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता का, हम यहाँ के वोटरों का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी ने, हमको लगता है कि 2014 से लगातार यहाँ इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में आपने अपना लगातार समर्थन जारी रखा है। पिछले दो बार से कंटिन्यू लगातार आपने नीरल पूर्ति जी को यहां से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, अपना बहुमूल्य वोट दे करके उनको विधानसभा में भेजने का काम किया और आप ही के उस वोट, एक एक वोट के ताकत से आज राज्य में जो माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य में झारखंडी सोच की सरकार चल रही है, जो जन कल्याणकारी सरकार चल रही है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार चल रही है, गरीब, पिछड़े, मजदूर, अल्पसंख्यकों के हित में काम करने वाली सरकार चल रही है, ये आप सभी के एक एक वोट का ही नतीजा है। और हम उम्मीद करते हैं इस चुनाव में भी आप पुनः इस मझगांव विधानसभा क्षेत्र का से अपना एक एक वोट अपने इंडिया गठबंधन के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है, स्थानीय जो लोकप्रिय विधायक नीरल पूर्ति जी को फिर से भारी बहुमत के साथ आप यहां से फिर से जीता करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे, ताकि राज्य में जो जन कल्याणकारी सरकार चल रही है, आपकी सरकार चल रही है, आपके दुख सुख में साथी साथ देने वाली सरकार चल रही है, ये सरकार फिर से इस राज्य में आगे भी कंटिन्यू करे और जो इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं का जो सिलसिला चल रहा है, वो सिलसिला थमे नहीं, आगे भी वो सिलसिला चलता रहे। और आज जो महिलाओं को इस सरकार ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का काम हुआ है, हमको लगता है कि इसके पहले इस राज्य में कहीं नहीं ऐसा हुआ है। और आज हमारे विपक्षी लोग महिलाओं के सम्मान पर भी वो लोग उसमें भी अड़चन डालने का प्रयास किए थे और उस महिला सम्मान योजना को भी उन लोगों ने कोर्ट में जाकर के उस पे भी बाधा डालने का, रुकावट पैदा करने का काम किया था, लेकिन उसमें हुए सफल नहीं हुए।
साथ हम आपसे ये आग्रह करना चाहेंगे इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं का सिलसिला आगे भी निरंतर जारी रहे। इसके लिए जरूरी है कि इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने और आपके एक एक वोट के ताकत से वो सरकार फिर से मजबूती के साथ वहां स्थापित हो। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार आपकी सेवा के लिए तत्पर है। दूसरी तरफ हमारे विपक्षी लोग जो विभिन्न तरह का हथकंडा अपना करके इस राज्य में कब्जा करना चाहते और वो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के सेवा के लिए ये लोग इस राज्य में कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग को उनकी मंशा को किसी भी हालत में कामयाब होने नहीं देना है और हम आपसे इसीलिए फिर से आग्रह करना चाहते हैं आगामी 13 तारीख को एक नंबर बटन दबा करके तीर धनुष छाप पर वोट दे करके अपने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नीरज पूर्ति जी को फिर से विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इसी इन्हीं अपील इन्हीं के साथ हम अपना विचार यही स्थगित करते हुए अपना वक्तव्य यही स्थगित करते हैं। धन्यवाद। साबेन को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद जिला सचिव सोनाराम देवगम जी को। इसके बाद मैं आप सबों के बीच में हम सबों के बीच में आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे प्रत्याशी श्री नीरज पूर्ति जी को। सिंह कुमार डोंगी प्रखंड अंधारी ताड़ीसही मैदान के नन चुनावी सभा रे अबुआ तालारे युवा सम्राट माननीय हेमंत सोरेन जीवन जोड़ी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन तिकिन मंच रे उपस्थित अबुआ जिला रंग जिला सचिव सोना देवगम तिकिन मंच रे उपस्थित तमाम पंचायती राज रंग जनप्रतिनिधि को कांग्रेस पार्टी रन तमाम प्रतिनिधि को निंता बिटाक नबुआ हगा नेते मिसी को इंगा बर इंगा को आपू बराबर आपू को दाई को दादा को ओडो निंतारे उपस्थित पत्रकार बंधु प्रशासन रन तमाम को सुमन कालिंगा एक जुमते जुआ ओडो हम को आशीर्वाद। तिसिंग पूरा राज रे कल्पना मैडम जगह जगह रे निका के चुनावी सभा हुआ उतना और तिसिंग पहली बार अब वो अनंतालिस मैदान है किन हुजुए किन है और विगत दिन वो कुमार डोंगी प्रखंड रे कुमार डोंगी डाक बंगले श्रीमती कल्पना सोरेन तिकिन किन बिटलना इंता रही हो अब भिन्न भिन्न पंचायतें थे भिन्न भिन्न हतुई थे नन परकले थे झारखंड शेरनी श्रीमती कल्पना सोरेन जगर को और अकिना विचार को आयुम के तय किना और हगा को तिसिंग विगत 5 साल आयर थे अब बीजेपी या विरोध रे आपे मन को जनादेश तय किना निंतारे और तिसिंग हेमंत सोरेन सरकार 2019 रे 29 दिसंबर सरकार बईना और 29 दिसंबर चनपेत के भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी रन हो को चिचिल कते हेमंत सोरेन सरकार बु रपोडिया एन समय तक को लगातार तय किना और बीच रे 2020 रे 23 मार्च मुसिंग पूरा भारत दिसंबर पूरा झारखंड राज रे लॉकडाउन हो बाय तय किना और लॉकडाउन रे नन कोरोना महामारी रे नन लॉकडाउन भीतर रे हेमंत सोरेन तकिन आपे लगे एक योजना किन बही थे इतना और इन्हें योजना तना आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा माध्यम थे आपे तारा ने ना बिठाएं थे इतना और तमाम झारखंड रन होके दबे कुचले होके आदिवासी को मूलवासी को शोषित पड़ी हो को अब उन इंतारे सरकार पे थे योजना रियल लाभ बूट की डा चिल्का पे लेके रची आपे सर्वजन पे परे किदा अबुआ वास रुपए लेने है ना
अब नेता सावित्री बाई फुले योजना ना और ना निंदुना अब लेलकर अब जब हेमंत सोरेन सौगात मैया समान योजना आप नम किरा और नेता झारखंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तय किना अब अकुलान रे पश्चिम सिंहभूम रे चाईबासा जिला रे एक बिजली रिया समस्या बहुत गंभीर तय किना एक हेमंत दाता अलल कजिए तय किना हम लोग ने हेमंत सोरेन जी को इस जिला के तमाम विधायक हम लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को कहे कि हमारा आदिवासी लोग गरीब लोग है हम ये सब जितना भी लोग हैं सारे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष को ही वोट देते हैं इसलिए सर जी आप ये तमाम गरीबों के लिए बिजली बिल को माफ कर दीजिए और बिजली बिल के बारे में बोला कि निरल चिंता मत करो हम सिर्फ पश्चिम सिंहभूम जिला के ही नहीं पूरा राज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और राज के बारे में एक बड़ा निर्णय लिया है आज यहाँ पर तमाम गरीब आदमियों के लिए एक बिजली बिल जो डर था एक भय था कि कब हमारा लाइन कटेगा कब केस होगा कब हम जेल जाएंगे उससे हमको छुटकारा मिला है इसलिए हम समझते हैं कि हागा नेता मिसिक को कि नेना हेमंदा बहुत मरम फैसला था अबू झारखंड राज रे झारखंड हित रे इना में तना नेना चुनाव मिना एक से होको को लगा हुआ किना है एक से मध्य प्रदेश रन उत्तर प्रदेश रन छत्तीसगढ़ रन असम रन मुख्यमंत्री को निंता चिल्का को प्रचार इतना दुष्प्रचार इतना को निंता असम रन एक से प्रॉब्लम मिना इंता रे इंतार मुख्यमंत्री ने असम राज्य बागी कते निंता झारखंड हो उतने निंता रे पले लतन उड़ीसा मुख्यमंत्री तक को जो उतने चिना लगे चे एक आदिवासी दिसम गुरु शिव सोरेन का बेटा मैंने तो बा हुआ भूमि पुत्र मैंने तो बा हुआ धरती पुत्र मैंने तो बा हुआ आको एक मात्र आदिवासी निंते तो हाथ में लगे और गुजरात रन एजेंट मैंने तो बा हुआ गुजराती एजेंट मैंने तो बा हुआ निंता रे बाबूलाल मरांडी को भाई लगे दिन रात को कोशिश इतना नहीं नंता हादा नेता मिसी को निना प्रयास जो आसपलिया बो बो चिलक नेता रे हेमंत सोरेन नेतृत्व रे अब मैया समान योजना बिजली बिल माफी रिया अब आवास रिया सर्वजन पेंशन रिया सावित्री बाई फूले रिया हरा राशन कार्ड रिया नेता रे एक से की योजना रिया बहार मिना और हेमंत चिलक आबे लेल के रे लोकसभा आयरे थे जब से सरकार बई नए समय थे को रपोर्ट तय किना नेता रे भैरिया माहौल को तैयार तय किना एक बंद लिफाफा दिल्ली तो में सहजो ये तय किना राज्यपाल ता बिटायना अब खुलेगा तब खुलेगा रिया तमाशा को बई किना मैं तो ये लिफाफा ते सिंह जो नाद के का खुलावे ना इंचना बोले लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स रिया नेता रे एक भय को वातावरण नेता को माहौल को बई थी किना और तिसिंग आको को कजी थे कि ना कि हम कांग्रेस पार्टी बागी में उस समय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी से तालमेल कीजिए लेकिन हेमंत दा ने बोला कि हम देशक गुरु शिव सोरेन का पुत्र है हम झुके का नहीं हम जेल जाना मंजूर करेंगे और तिसिंग अबू अलग पांच महीना जेल रहे तय ने इन पांच महीना रिया हिसाब तो कोई मिया और आपको कमेंट किया कि हेमंत सोरेन जेल बुआ दे रही है तब लोकसभा में दही हुआ और लोकसभा पर चील के ललकने पे नंदुना अपिया देंगा अपिया आशीर्वाद देते सिंह श्रीमती जोबा माजी ते सिंह दिल्ली रिया दरबार बो कोल किया तेज की इनामें ते बो कोल तही है चाब उनका राज विधान सभाई ते जो आठवीं अनुसूची हो बासरिया जो तय कि नहीं इनाबु कुल तरह सारना धर्म कोड रिया मिना इनाबु कुल तरह अकेले तरह दिल्ली दरबार ने ना जगर किन जगर के में थे अब तो सिंह जो वामा जी बोलता ही चीते ही है हागा को जब हेमंत सोरेन जेल रहे तय कि ना हम लोग वो लोग सोचा कि हम लोग जेल में डाल देंगे तो हम लोग यहाँ बीजेपी आराम से जीतेंगे लेकिन इंडिया नतीजा चुनाव है ना निंतर पश्चिम सिंहभूम सीट बुदाई है ना कोटी लोकसभा सीट बुदाई है ना लोहरदगा सीट बुदाई है ना दुमका राजमाल सीट वो दही है ना और तिसिंग पाट कर कि ना चीज को जेल से छोड़ो लेकिन नैन बीच रचना हो बे ना नैन बीच रे अब श्रीमती कल्पना सोरेन तिकने एक झारखंड का शेरनी पैदा हुआ और आप सब को देखा होगा बीच में किस तरह से आपने झारखंड राज्य में पूरा घूम घूम के प्रचार कर रहा है और आज हम सबों के बीच में उपस्थित है इसलिए मैं ज्यादा नहीं करूंगा ज्यादा नहीं बोलूंगा आज के हमारे स्टार प्रचारक
और श्रीमती कल्पना जो सोरेन जी से हम लोग उनकी बातों को सुनेंगे। आज टाइम टू टाइम बहुत जगह कार्यक्रम है, तो इसलिए आज मैं किसी न किसी बहाने साहब से मिलता हूँ, सांस्कृतिक प्रोग्राम में, सामाजिक प्रोग्राम में, राजनीतिक प्रोग्राम में, खेल के मैदान में। इसलिए मैं आज की सभा में बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहकर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद और सबको जोहार करता हूँ। ऐसो ऐसो धन्यवाद अबू है प्रत्याशी निरल पुरते जी की अबू है तलारे जगार की इंद्र के किड़ा ऐसो गाड़े ते अब हापा के मिना अबू है ते सब को है ते आयर ते अब उन्हें राज रन मुख्यमंत्री है जीवन जोड़ी हो जुए कन्या आकिन्हे स्वागत रे मिडो अबू नारा बोरु के या लिंग बरलिंग का जीतने इलादार है पे दिसुम गुरु सिबु सोरेन जिंदाबाद दिसुम गुरु सिबु सोरेन जिंदाबाद दिसुम गुरु सिबु सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जय झारखंड जय झारखंड जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय झारखंड जय झारखंड जय जय झारखंड दिसिंग अबुए नरेगोड़ा टाइम टाइम रे अबुए माननीय मुख्यमंत्री है जीवन जोड़ी श्रीमती कल्पना सोरेन की निकली की योजना के ना अनु अबु ऐसो गाड़ी ते इंतजार ताई की ना अकेंज इंतजार चबाये ना मरा अकेंज लिंग ये ला दाग किंग ते ना अबु है तलर अकेंज रांची पे ते चिकन विचार की नागो जुए के डे इन अबु तलर अकेंज जगर कर आज कुमार डुगी में ताई साई मैदान में उपस्थित मंच पर आदरणीय हमारे भाई निरल पूर्ति भैया जी, साथ ही साथ हमारे पार्टी के सचिव, हमारी गठबंधन के सभी नेतागण, महिलागण, आप सभी को और साथ ही साथ इस चुनावी सभा में उपस्थित भारी मात्रा में हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, हमारे मीडिया कर्मी साथी, हमारे सुरक्षा कर्मी साथी, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, जोहार है, प्रणाम है, अस्सलाम वालेकुम है। और ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में हम अपने प्रतिनिधि को विधायक के तौर पे 5 साल के लिए चुनते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे भैया नीरल भैया मझगांव के विकास के लिए अपनी गाड़ी की गति को हाई स्पीड में रखे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर में कोई और आने वाला, अगर आएगा तो नीरल पूर्ति भैया ही आएंगे। और बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी, मैं यहाँ पे मैया सम्मान यात्रा के दौर में आई थी और हमारे साथ में इधर तो नहीं आई थी, और अभी मैं भैया को पूछी कौन कौन आए थे तो बोली कि साहब आए हैं, आप पहली बार आए हैं। लेकिन चलिए, कहीं ना कहीं चाहे मैया सम्मान यात्रा था या हमारी चुनावी सभा है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम अभी लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं, चुनावी पर्व मना रहे हैं, और इस चुनावी पर्व में सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है? सबसे बड़ी भागीदारी आपकी है। सबसे बड़ी भागीदारी इसलिए कि जिस तरीके से समंदर में एक एक बूंद से सागर बनता है, हम उसी तरीके से हमारे यहाँ में विधानसभा में जब चुनाव होता है तो एक एक वोट से किसी की किस्मत आप पलट भी सकते हैं, किसी को जगह दे भी सकते हैं और उनसे जगह ले भी सकते हैं। मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगी कि जब मैंने अपनी यात्रा की थी और मझगांव में हम लोगों ने 3 कार्यक्रम किए थे, हमारे साथ में हमारी बेबी देवी जी थी, दीपिका जी थी, मैं थी, हम लोगों ने ये जाना, ये समझा कि मैया सम्मान यात्रा क्यों जरूरी हो गया। आपको समझने में, समझाने में
मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड बने हुए 24 वर्ष होने वाले हैं और इस 24 वर्ष में 20 साल भाजपा के लोगों ने शासन किया, भाजपा के हाथ में सत्ता की चाबी थी, लेकिन कभी भी इन 20 वर्षों में उनको हमारी आधी शक्ति, हमारी आधी आबादी के बारे में थोड़ा सा भी सोच नहीं आया कि हमारी घर की महिलाएं, घर की गृहिणी, गांव देहात में रहने वाली बेटियां किस तरीके से अपना जीवन यापन करती है, अपने परिवार को ध्यान देती है, अपने परिवार के जनों को, बच्चों को, पति को, सास ससुर को, रिश्तेदारों का ध्यान रखती है, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे पायदान में रखती है, अपने बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचती। लेकिन हेमंत दादा ने, हेमंत बेटा ने आप आधी शक्ति के लिए, बिटिया के लिए, बहनों के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लेकर के आए और ऐसी सोच लेकर के आए कि आज झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारी ताकत बन करके 55 लाख से अधिक महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए पहुंच गए हैं। 3 किस्त जा चुकी है, चौथी अभी ये पर्व आने वाला है, छठ पर्व अभी इसमें जाएगा। दिसंबर से इसकी राशि बढ़ करके 2500 होने जाएगी प्रति माह। मतलब प्रति माह अगर 2500, साल का 30,000, घर में अगर जितनी भी बिटिया बहने हैं 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक, और जितनी ज्यादा घर में महिलाएं रहेंगी, ये उनको मजबूती देने का काम करेगा, उनको सशक्त बनने का काम करेगा। इस महंगाई के दौर में जब हमें रोज का खाना पीना, सब्जी, तेल, साबुन खरीदने के लिए इतने पैसे देने पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बहनों को मजबूत बनाने का काम करेगा। आज आप बताइए, इस महंगाई के दौर में ये महंगाई किसकी देन है? ये महंगाई केंद्र सरकार की देन है। ये वादा करके आते थे कि लाखों लाख, 15 लाख आप लोगों के अकाउंट में आएंगे, इतने साल की 2-2 करोड़ नौकरियां आएंगी, महंगाई कम होगी। हुआ क्या? हुआ क्या? लेकिन आप सोचिए, ये सिर्फ ऐसे जुमलेबाज कहते हैं, ऐसे ऐसे खोखले वादे करते हैं जो ये पूरा कभी कर ही नहीं पाते हैं। और 10 साल से आज अगर महंगाई के इस पायदान में हम पहुंचे हैं, इतने ऊंचे दाम पे अगर पहुंचे हैं, तो इसका श्रेय जाता है केंद्र सरकार को। और इस केंद्र सरकार ने झारखंड के लोगों के बारे में कभी कुछ सोचने का काम नहीं किया। आज हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं, आज हम झारखंड में अपनी भाषा बोली की लड़ाई लड़ते हैं, अपने पहनावे की लड़ाई लड़ते हैं। आज झारखंड ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रण लिया है कि हमारी भाषा को वो मान सम्मान मिलना चाहिए। आज हम आदिवासी हैं और आदिवासी होने का गर्व भी रखते हैं, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग हमें आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, ये हमें वनवासी बोलते हैं। जब इन्हें आदिवासी शब्द से चिढ़ है, हमारी हो भाषा से चिढ़ है, तो क्या ये कभी हमारे विकास के बारे में सोचने के बारे में सोचेंगे? ये इतना सा भी नहीं सोचेंगे। हमारे गरीब गुरबा के लोगों के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। हेमंत जी ने जब जेल के बाद आए थे और विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हम जंगली हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े पत्रकार ने हेमंत सोरेन जी को जंगली कह करके संबोधित किया था, और इनको तकलीफ होती है कि ये गरीब गुरबा आदिवासी जंगली अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के बगल में बैठ जाए तो इन्हें घिन होती है। आज ये झारखंड की लड़ाई, ये झारखंड की अमिता, आज हम अपने लोगों के बल पे लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों पे लड़ रहे हैं, चाहे हमारे सरना धर्म के ओट की बात हो, हमारी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने की बात हो, हमारी नियोजन नीति लाने की बात हो, हम लड़ रहे हैं और हम अपने हक अधिकार के लिए निरंतर लड़ते रहेंगे। आज
हेमंत सोरेन जी क्या कहते हैं, ये बताते हैं आप लोगों को, बताते हैं हमारा झारखंड का 1,36,000 करोड़ बकाया है। किसका है ये पैसा, किसका है ये पैसा? आपको अपना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे झारखंड के विकास के लिए हमारे हक का पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, और अपना हक 1,36,000 करोड़ हम लेकर के रहेंगे। इसके लिए आप लोग सब हेमंत सोरेन जी के साथ में है कि नहीं है? अपने दोनों हाथ उठा करके बताइए कि आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? और इस बार का ये चुनाव हेमंत सोरेन जी को सिर्फ मुख्यमंत्री दोबारा बनाने का नहीं है, ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले उस व्यक्ति का है जिसने अपना सर झुकाना मंजूर नहीं किया, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया, क्योंकि हमारे वीर शहीदों ने हमें यही सिखाया है। आज ये हमारे पर इल्जाम लगाते हैं कि पेंशन का पैसा काट करके मैया सम्मान को दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, 40 लाख लोगों को पेंशन की योजना से जोड़ा गया है, उसमें से 27 लाख नए जुड़े हैं। 27 लाख जो नए जुड़े हैं वो सिर्फ 2 साल में हेमंत सोरेन जी ने जोड़ा है, और उनका 1,000 रुपया राज्य की निधि से जाता है, और 13 लाख लोगों को जो केंद्र सरकार बनाती है, भाजपा बोलती है, पिछले 20 वर्षों में इन्होंने सिर्फ 13 लाख लोगों को जोड़ा है, और उसमें से ये लोग 250 रुपए भी देना इनको सही समय पे इनकी जिम्मेदारी मानते ही नहीं है। अगस्त महीना से इन्होंने वो पैसा ही नहीं दिया है, और किसी किसी जिले में तो मई महीना से पैसा नहीं दिया है। ये अपनी नाकामी को, इनकी जो जिम्मेदारी थी वो नहीं कर पाए, उसका सारा जिम्मा लगाते हैं राज्य सरकार पे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि झारखंड में हमारी राज्य संपोषित जितनी पेंशन योजना है उसमें हेमंत सोरेन जी ने अक्टूबर तक का सारा 1,000 रुपया उनके अकाउंट में भेज दिया है। ये लोगों में दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। इस सभा से आप जो मेरी बातें सुन करके जाएंगे, गली मोहल्ले में लोगों को बताइए कि राज्य सरकार किस तरीके से निष्ठावान है अपनी हर एक योजना के लिए, और मैया सम्मान के लिए जो ये योजना से जोड़ा है, ये देख करके ही हमारे विपक्ष वाले साथी डर गए हैं। और डरना भी जरूरी है, क्योंकि आपने हमारी आधी आबादी को पहचान, उनका मान सम्मान बढ़ाने की ऐसी कभी कोई योजना पिछले 20 वर्षों में नहीं लाई हेमंत सोरेन जी ने, यही 5 वर्षों में जिसमें हमने 2 साल कोविड में झेला, उसके बावजूद हेमंत सोरेन जी ने हमारे आधी ताकत, हमारी आधी आबादी को एक नई पहचान दी है। आज झारखंड में मैया सम्मान की बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगी देश में भी मैया सम्मान की चर्चा हो रही है। आज इस महंगाई के दौर में आप लोगों के सर के ऊपर में इतना बोझ है, आर्थिक तंगी है, उस पे अगर बिजली बिल आ जाए, बिजली बिल 5,000, 10,000, 50,000, कहां से कोई भर पाएगा? लेकिन झारखंड में बिजली बिल की माफी हुई है, 37 लाख लोगों के परिवारों का बिजली बिल माफ हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है बिजली बिल माफी, आप बताइए, हुआ है? किसका किसका हुआ है, जरा हाथ उठा के बताइए, किसका किसका बिजली बिल माफी हुआ है? माफी हुआ है ना? ये कौन किया है आपका बिजली बिल माफी? किसने किया है बिजली बिल माफी? किसने किया है? तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद किसके पर रहेगा? आज हम आपके पास में आए हैं, और पूरे हक के साथ में आए हैं, अधिकार के साथ में आए हैं, क्योंकि धरातल में काम हुआ है। अब वो आवास का काम हो, सर्वजन पेंशन का काम हो, हरा राशन कार्ड देने का काम हो, बच्चों के लिए सावित्री बाई फूले की योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, हमारे किसानों के लिए, किसान के लिए क्रेडिट कार्ड हो, पशुधन योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो धरातल में आ गई हैं। और ये अलाना, ये सोच कौन लेकर आया है? यही आदिवासी बेटा,
आपका भाई, आपका दादा हेमंत सोरेन। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, सब लोग आ गए हैं चुनावी मौसम में, इसको पर्यटक स्थल बनाया है। अभी आएंगे, अपनी बातें कहेंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे, अगड़ा पिछड़ा कराएंगे और वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपके दुखों में डट करके कोई खड़ा रहेगा तो वो हेमंत सोरेन रहेगा। आपकी चेहरों में अगर मुस्कान रहेगी तो उसकी वजह हेमंत सोरेन रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ की बुनियादी जरूरतें क्या हैं। बाहर से आए लोग अपनी राज्य की जिम्मेदारी छोड़ करके, अपने विभाग की जिम्मेदारी छोड़ करके आज झारखंड में बैठे हैं। क्या ये आएंगे आपके दुखों के समय में खड़े होने के लिए? ये आपकी तकलीफों में खड़े होने के लिए आएंगे? आज चुनावी समय हो गया है तो बड़े बड़े जहाज लेकर के बड़े बड़े केंद्र से मंत्री आ रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि ये देश किस तरफ जा रहा है। सिर्फ चुनावी समय में इनकी भूमिका रहती है, उसके बाद ये सब भूल जाते हैं कि झारखंड भी कोई राज्य है। हमारा झारखंड का मनरेगा का हजारों करोड़ बकाया है, यहाँ लगातार केंद्र से मंत्री आ रहे हैं। इस मन से अपील करना चाहूंगी कि हमारा मनरेगा का हजारों करोड़ का रुपया आप कृपया करके झारखंड को दे दीजिए, क्योंकि ये हमारा हक है। ये हमारे यहाँ पे लोगों के विकास के लिए एक मजबूती प्रदान करेगा। हमारा 1,36,000 करोड़ झारखंड के विकास में प्रगति करेगा। ये हेमंत सोरेन जी अपने लोगों के लिए मांग रहे हैं और ये हमारा हक है। आज आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हेमंत सोरेन जी जीत तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और ये जी तोड़ मेहनत इसलिए ताकि हमारे झारखंड में हमारे सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग एक साथ मिल करके हम लोग आगे बढ़े। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर में हम लड़ाई करें, हम चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। 20 वर्षों तक झारखंड में भाजपा शासन करती है, कौन से पायदान में लेकर के आती है? आज 5 वर्षों में हेमंत सोरेन जी ने ऐसी लंबी और गहरी लकीर खींची है जिसमें आज झारखंड को लोग जान रहे हैं और झारखंड में एक अपनी पहचान बना रहे हैं। और आप लोगों के प्यार के वजह से, आप लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया है, आपके प्यार के वजह से हम लोगों ने झारखंड में ये मैया सम्मान यात्रा भी निकाला था। इस बार हवा बदलेगी, फिजा बदलेगी। हेमंत सोरेन जी के साथ में हमारी 55 लाख से अधिक मैया जुड़ी हुई है, 40 लाख से ज्यादा हमारे वृद्ध दिव्यांग, हमारे बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई, 21 लाख किसान भाई का ऋण माफ हुआ है, 2-2 लाख रुपए का ऋण माफ हुआ है। उन वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे मजदूर भाई हो, हमारे हरा राशन धारक हो, 20 लाख हरा राशन धारक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हेमंत सोरेन को रोकने की क्या सोच रखते हो? पूरा झारखंड हेमंत सोरेन के साथ में चल रहा है। आज आप सोच रहे हैं हेमंत सोरेन को रोकोगे, आप रोक के दिखाइए। झारखंड की जनता आपको यहाँ टिकने नहीं देने वाली है। यहाँ पर मैं अबुआ सरकार, आपकी अपनी सरकार, महागठबंधन की सरकार अपने बचे हुए कामों को पूरी निष्ठा के साथ करने और झारखंड को अव्वल दर्जे में लेने का संकल्प लेकर के इस चुनावी रण में भी उतरे हैं। अभी मैंने देखा कि न्यूज में नेता ने कहा कि हम पेंशन को 3,000 कर देंगे, 250 रुपए प्रति माह ये दे नहीं पा रहे हैं और 3,000 देने की बात कर रहे हैं। इनके जुमले में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर झारखंड का विकास कोई कर सकता है तो वो हेमंत सोरेन कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? और हमारे मझगांव विधानसभा का विकास कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तो यहाँ से हमारे मझगांव विधानसभा से आप अपना प्यार आशीर्वाद किसको देने वाले हैं? अपना दोनों हाथ उठा के, यहाँ भाई दादा बैठे हैं, खड़े हैं, हमारे सामने में दोनों हाथ उठा कर ये बताइए
हेमंत दोबारा, ठीक है, एक ही नारा हेमंत दोबारा, सब मिलकर बोलेंगे साथ में, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। और एक और है, क्योंकि इन्होंने हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जेल में डालने का काम किया, तो जेल का जवाब हम जीत से देंगे, यह है नारा। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। और झारखंड में मजबूत हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये प्रण लेकर के यहाँ से जाना है। आप सभी भाई दादा को, बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, आदाब है। और हाँ, ये तो आपसे पूछना ही भूल गए, क्या नहीं बोले भैया, आदाब नहीं बोले, अच्छा ओडिया, नोडे जरवाबा कान सनाम माजी बाबा नायके घोड़े को, जुग परानी माजी को, आर माजी बूढ़ी को, और चांदो बराबरी गो बाबा को, भोया मिसी को, पाटीरिन कमी कोड़ा कुड़ी को, सनाम को, गेंसन पास्टर को, अनमा गुण मनाओ जोहार। अपन एठी अष्टोंती ए सभारे उपस्थितो समस्त गुरुजनों को नमस्कार, माँ मौसी भाई भोजी मानों को समस्त को मो प्रणाम जणाउछी। आपण माने समस्ते जानु छंती जे एटा चुनावी सभा अछि और झारखंड रे विधानसभा चुनाव चली छी, आर 13 तारीख रे एटी वोट पड़िबो, एटी च मतदान होबो, सेटा रे एक नंबर रे तीर धनुष रे आपण करो वोट देखी जय जुक्त करंतु अमरो दादा हिरल पुटी दादा को। और आर आपे तो बढ़ाए तो नुंडे 13 तारीख मतदान तारीख करना, आपे रिया वोट करना, आपे या वोट असर रे क्रम संख्या एक रे बढ़ती ते बढ़ती वोट एम करते अब वो दादा निरल पूर्ति के जिताओ करते विधायक पे ना होवन ओना के नुआ दो प्रतिज्ञा करना, ओना के आपे संकल्प कान गया और आपे या दाड़े जहां 2019 रे एम के ता नितो नुआ 2024 रे हो आपे या दाड़े एम में और ओना यहां पे ठे नेहोर का नहीं अरदास को नहीं सनाम को गेंसन पास्टर को आईमा गुण मनाओ जोहार अड़ी अड़ी सरावे पिया और समस्त को मु नमस्कार जणो जी एठी आछंती आपन को टाइम दे चंती आपन को वोट दियंतु और 13 तारीख रे क्रम संख्या 1 रे वोट दे के जय जुक्त करा दो ए कथाटा कहि की मु मो वक्तव्य रखु छी। नमस्कार समस्त को, सभी को नमस्कार है, जोहार है, जय हिंद, जय झारखंड। अभी अभी बहुत से अन्य अन्य पार्टियों से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा दिसम गुरु शिवू सोरेन पर आस्था रखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। लखीमपुर से रजित कुमार, सतीश कुमार, सिद्धेश्वर कुमार, बलभद्र कुमार, हिमांशु कुमार, लक्ष्मण नायक, जानंदर नायक, विश्वनाथ नायक, रमेश नायक, जीतू नायक, विद्याधर नायक, भगत नायक, उलियातू से परेश चंद्र दास, अशोक नायक, सावन दास, गोपी दास, राजेंद्र दास, चावंती दास, संतोष कुमार दास, अरुण हेम्ब्रम, अविनाश कुमार, पंकज कुमार दास, जुगल किशोर दास, उपेंद्र गोप, वीरेंद्र गौड़, सुरेश प्रखंड से भी भारतीय जनता पार्टी से मोहम्मद सिद्दीकी हुसैन, पूर्व जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के मोहम्मद एकरज, अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एकमुद्दीन, इमरोज अंसारी, हाजी साजिद, मोहम्मद समीर।